सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइज, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। गाइज, तो बिहार में काफ़ी दिन के बाद इस बार जो है बारिश हुआ है, और आज हुआ है काफ़ी दिनों के बाद। और इस बारिश में हम सब मज़े लेने के लिए निकल चुके हैं। हमारे साथ छोटा बउआ भी है, जिसका नाम है, नाम बता दो बाबू। आयुष। लेकिन अभी वीडियो में क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, वीडियो में इसका जो हम नाम थोड़ा यूनिक रखे हैं, रामचंद्रा। अभी हम सब थोड़ा बारिश का मज़ा लेने के लिए निकले हैं। काफ़ी दिन के बाद बिहार में बारिश हुआ है, मेरे गांव में बारिश हुआ है, और हर जगह भी बिहार में हो रहा है। तो आज बारिश के मौके पर थोड़ा सा घूमने निकलते हैं। गजब बेइज्जती है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है भैया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ब्लॉग में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बोल दो वीडियो में बने रहने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं अपने मार्केट में। यह है समसा मार्केट। मार्केट का एक ब्लॉग अलग से हम बना देंगे स्पेशल, जिसमें पूरा गांव का मार्केट हम आप लोगों को घुमाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम जहां जाने वाले हैं वहां चलते हैं। यह हमारा गांव का इकलौता पेट्रोल पंप, क्योंकि समसा पेट्रोल पंप है, जहाँ से पेट्रोल लेने के बाद चलेंगे बछवाड़ा। ये हमारा गाँव का इकलौता पेट्रोल पंप। अभी पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं। 5 रुपया दे दो भैया। कैसा लगा मेरा मजाक? सही हम दे रहे लोग। 5 रुपया। तो ये है हमारे गांव का सबसे पुराना पुल, और ये है मिनी ताजमहल कह सकते हैं समसा गांव। अब भी खूबसूरत ये यहाँ पे जो है लोकेशन बहुत ही अच्छा है, और ये ताज मस्जिद होने की वजह से बछवाड़ा का ये है टेम्पू स्टैंड। यहाँ से आप लोगों को बछवाड़ा जाने का टेम्पू मिलेगा। तो कहाँ जाने वाले हैं ये बताओ? बछवाड़ा। बछवाड़ा जाएंगे। बछवाड़ा जाके क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे। ये बुआ बोल रहा है बछवाड़ा जाना है, तो बछवाड़ा जाने में थोड़ा परेशानी होगा, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा बेकार है। दिखाएंगे कि बिहार का रोड कैसा है, यानी कि सबसे ज़्यादा सब जगह का तो अच्छा है, लेकिन बछवाड़ा का सबसे खराब रोड है भैया। अभी मजा आएगा ना वीडियो। बछवाड़ा का रोड अभी तो शुरुआत है। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर है हमारे घर से बछवाड़ा का दूरी। इसी तरह का रोड से होते हुए अभी हम बछवाड़ा जाएंगे, और बछवाड़ा में काफ़ी कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए। जब बारिश का मौसम था, सोचे कि बछवाड़ा बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए बारिश के समय। तो चलते हैं, और क्या कुछ रास्ते में होगा सब कुछ हम आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे। ये है बेगूसराय ज़िले का बछवाड़ा का स्मार्ट रोड, देख सकते हैं। इसमें आने के बाद आराम से एक डुबकी लेने के बाद गंगा जल स्नान करते हुए आप धन्य धन होते हुए फिर जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। तक्का भैया, मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। नए विश्वास है तो एक बार आइए। हाँ, नए विश्वास है तो एक बार आइए, और ये पवित्र गंगा जल में नहा के जाइए। बड़ी खूबसूरत रोड है देखते हुए। इस रोड से जाने में काफी तकलीफ हो रहा है, क्योंकि रोड कितना खूबसूरत है वो तो हम आप लोगों को दिखा दिए। बुआ बता, खड्डा खड्डा होते होते मेरा गाल लहल गया। कैसा मजा आ रहा है घूमने में? बड़ा हम बुआ को रास्ता में मोबाइल खरीद दिया है, थोड़ा सा सोचे गर्लफ्रेंड से बच जाने के लिए। लगा बुआ गलती कर देता। अरे मान लो कि मोबाइल है, बतिया लो तक रास्ता में बतियाते हुए देख चल जा। तो नेता के बारे में जो लाइन बोल देता वो पदनी मचिया। गाइस, तो फाइनली हम बछवाड़ा मार्केट पहुंच चुके हैं। यही है मार्केट बछवाड़ा, छोटा सा है लेकिन अच्छा है, सभी सामान अवेलेबल है। यह बछवाड़ा का इको बैंक, इधर पोस्ट ऑफिस है बछवाड़ा का, और एक एटीएम है यहाँ पे सामने में। ठीक, छोटा मार्केट है लेकिन सभी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। एक एटीएम है यहाँ पर एसबीआई का, कभी कभी हम लोग को भी ज़रूरत पड़ता है तो यही एटीएम में आते हैं। और यह है मेन मार्केट बछवाड़ा का, और ये रास्ता जो है गाछ जो पीपर गाछ है इसके साइड से जाता है रेलवे स्टेशन। चलो थोड़ा रेलवे स्टेशन की देखते ही बात। तो इधर से ये रास्ता रेलवे स्टेशन का है। बछवाड़ा टेम्पो स्टैंड, और ये मेन बछवाड़ा रेलवे स्टेशन। ऐसा नया बन चुका है, तो बाहर से ये भी हम दिखाएंगे, आगे से घुमा लेना। अभी हम बाहर से ही दिखाएंगे, नया बन के तैयार हो चुका है, काफ़ी बड़ा बना है। अंदर जो है बाद में किसी ब्लॉग में जब यहाँ से हम कहीं जाने वाले होंगे तो पूरा आप लोगों को रेलवे स्टेशन घुमाएंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा बाहर से दिखा दिए। ये बछवाड़ा टेम्पो स्टैंड, यहाँ से आप लोगों को
हर एक जगह तक जाने के लिए मिल जाएगा लोकल जगह। हाँ तो इसकी नानी है सारी दो रही है। किसी का इंतजार कर रही है, ये भोसड़ी कर रहा है, मेरे इंतजार कर, तुमने इंतजार कर रहा था ये मतलब इसका मन में देख रहा लड्डू फूट रहा है, है? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। ये है बछवारा रेलवे लाइन जाने का मेन रास्ता और ये है इस पार का मार्केट, देख सकते हैं। यानी दो मार्केट है टोटल बछवारा में, एक रेलवे लाइन के उस पार है और रेलवे लाइन के इस पार है, उसके बाद मैन एक NH है, उसके बाद है जमटिया घाट, इसी घाट पर जाएंगे। सावन के मौके पर देख सकते हैं मटिया घाट पे सभी तरफ आपको सिर्फ गेरुआ रंग ही नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लास्ट सोमवार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, उसका तैयारी चल रहा है। यह है बछवारा का मैन NH गाइस, देख के पार करना। ये रास्ता आपको बेगूसराय चल जाएगा और इधर दलसिंहसराय समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ये रास्ता जाता है और इस पार है, ठीक सामने में है जमटिया घाट, यही सीधे से भी हम चलेंगे। ये सब सावन का तैयारी है, यहाँ पर सावन में लास्ट सोमवार एक दिन काफ़ी बड़ा भव्य मेला लगता है। इस बार का व्यवस्था इसलिए तो हम आए हैं कि व्यवस्था दिखा पाए आप लोगों को, साइड से देख सकते हैं लाइटिंग वाइटिंग हो चुका है, दोनों तरफ से दुकानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये सभी दुकान खुल जाएगा, जो लाइट चल जाएगा, तो गजब का व्यवस्था बहुत अच्छा लगेगा देखने में। मंदिर को भी एकदम रंग उंग के तैयार कर दिया गया है शिव जी को। आज तो फाइनली हम पहुंच चुके जमटिया घाट, यहाँ का देख सकते यही है बछवारा का जमटिया घाट और ये है शिव मंदिर, सभी लोग इसी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। यही गंगा जी है यहाँ का, इसी जमटिया घाट में सभी लोग गंगा स्नान करने के बाद यहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं। इस बार जो सावन के मौके पर क्या खास व्यवस्था किया गया है जमटिया घाट पर, वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। इधर देख सकते हैं ऑफिस बन रहा है जहाँ पर कार्यालय होगा और इधर देख सकते हैं चारों तरफ से बांस घेर दिया गया है। काफ़ी खास व्यवस्था किया गया हर एक साल के माध्यम, इस साल जो है काफ़ी खास व्यवस्था किया गया है। अभी हम घाट के पास आ चुके हैं, देख सकते हैं चारों तरफ से उधर से बांस से घेरा गया है, क्योंकि इधर से ही नहाने के लिए ऐसा बनाया गया है व्यवस्था, इधर से भी घेरा गया है क्योंकि सभी लोग जो है इधर ही गंगा स्नान करेंगे, इसके लिए ऐसा बनाया हुआ है। साइड में देख सकते हैं चेंजिंग रूम है, महिलाएं के लिए स्पेशल है, उधर से भी बांस से चारों तरफ से घेरा गया है। यानी कि ये सीढ़ी से ही माध्यम से आप लोग नीचे आइए और यहीं से गंगा स्नान करके जल लेके आप फिर आप लोगों को जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हैं। तो व्यवस्था ठीक ठाक है, लाइटिंग भी काफ़ी अच्छा किया गया है, तो चारों तरफ आप देख सकते हैं कैमरा भी लगा हुआ है और इस बार पानी थोड़ा कम है और इधर देख सकते हैं थोड़ा कम नहीं, हर एक साल की तरह इस साल पानी बहुत कम है। व्यवस्था अच्छा किया गया है क्योंकि दो साल के बाद इस बार जो है श्रावणी मेला हो रहा है, क्योंकि सावन के लास्ट सोमवार के दिन यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं, आप आंकड़ा नहीं लगा सकते हैं, उतना श्रद्धालु आते हैं गंगा स्नान करने के बाद, जल लेने के बाद जाते हैं विद्यापति धाम में जल अभिषेक करने के लिए, समस्तीपुर जल अभिषेक करने के लिए। हम भी काफ़ी साल गए हूँ, 3 साल लगभग हम भी जा चुके हैं और इस बार भी कोशिश करेंगे, अगर जाने का मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ का व्यवस्था आप लोगों को दिखा दिए हैं। पहली बार मुझे पता चला कि जमटिया घाट में जो शिवलिंग है, जो कि शिव जी का मंदिर है, उसके ऊपर भी आने का व्यवस्था हो चुका है, ये सीढ़ी बन चुका है, तो इस सीढ़ी के माध्यम से भी हम ऊपर आ चुके हैं और ऊपर से हम आप लोगों को मंदिर के चारों तरफ का काफ़ी भव्य दृश्य दिखा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पहली बार हम आए हैं तो सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं, इस तरफ से आप लोग चारों तरफ से मंदिर का काफ़ी खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। इधर से जमटिया घाट का काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है। हमारा चला तैयार है, क्या चला चलते हैं, घाट घूम चुके हैं और इस रास्ते से साइड से चलेंगे, देख सकते हैं चारों तरफ से बांस घेरा गया है। इधर से जो भी कांवड़ यात्री आएंगे वो इधर से नहीं नहाने के लिए जाएंगे, इसके लिए इधर से चारों तरफ से घेर दिया गया है और लाइटिंग भी बहुत अच्छा लगाया गया है। तो ये रोड पहले बना हुआ नहीं था, हाल फिलहाल बन गया है, बहुत अच्छा है। तो खास करके गाइस इस जगह पे जो आज हम आए थे वो है बोलबम का रील्स बनाने के लिए। आप लोगों को अगर स्टार्टिंग नहीं पता हो तो बता देते हैं, आप लोग प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा और काफ़ी सारा रील्स अभी हम अपलोड करेंगे बोलबम का, तो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। हालांकि जो यूट्यूब का नाम से उसका भी चैनल है और मेरा पर्सनल जिस पर हम रील्स बनाते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर मैंशन कर देंगे, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी हम आ चुके हैं जमटिया घाट का नया जो पुल बना है उसके पुल के ऊपर, ये है पुराना पुल, ये भी बहुत गजब का लग रहा है देखने में, इतना साल से टूटा हुआ लेकिन ये नया है और ये लोकेशन बहुत ही अच्छा है, खास करके इसी वजह से हम इस जगह पे आए घूमने के लिए।
रेलवे लाइन का मेन रोड है गाइस ये, और ये एक हमारा बछवारा का छोटा सा स्टेडियम, हालांकि पता नहीं है ये स्टेडियम है ये क्या है, लेकिन स्टेडियम टाइप का बनाया हुआ है देख सकते हैं। हालांकि काफ़ी दिन पहले जब हमारे लालू प्रसाद जी आए थे तो हम भी आए थे देखने के लिए, उनको इसी ग्राउंड में मिले थे उनसे, वो भी नेता आते हैं तो यहीं पर आते हैं कि काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ, और इसे अच्छे तरीके से घेर दिया गया है चारों तरफ से देख सकते हैं गाइस। तो वीडियो अरे यार गाइस, तो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाबा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।